सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि यार जो लोग मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है, अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर उन लोग की, जिन लोगों ने मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं, मेरे को पहले से सब्सक्राइब करा है, मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, उन्होंने अगर मेरा लियो वाला वीडियो देखा होगा, लियो ट्रेलर के बारे में, ठीक है, जो कि अभी लगभग 3,000 कुछ पहुंच गया है व्यूज़, ठीक है, उसकी बात करें तो थैंक यू सो मच उसके प्यार के लिए, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसमें मैंने ये कहा था कि यार एक लियो मूवी के ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल्ड अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाऊंगा, तो वो यही वीडियो है, जी हाँ वो यही वीडियो। तो फाइनली आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, इसमें हम बात करेंगे पूरी लियो मूवी के बारे में, जो सो मुझे लगता है कैसा क्या मूवी कलेक्शन हो सकती है, कैसा क्या मुझे ट्रेलर लगा, क्या कुछ मूवी हो सकती है, सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो को अभी से कर दो लाइक, चैनल पर नए चैनल पर कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या चाहता है तुम्हारा, कर दो ना सब्सक्राइब, प्लीज कर दो कर दो, ठीक है सब्सक्राइब कर दो बिना टाइम के। आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट। सो यार अगर बात करें हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कुछ होने वाली है लियो मूवी, तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, क्योंकि ये ट्रेलर रिव्यू में मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर पाया था, क्योंकि वो वीडियो की लिमिट बहुत बढ़ जाती है, वीडियो का जो टाइम लिमिट है वो और ज़्यादा हो जाता है, 8-10 मिनट हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें नहीं बताया। बट उन लोग को बता दूं जिन लोग को नहीं पता कि लियो मूवी में हमें देखने को मिलने वाले थालापति विजय, और भी बड़े बड़े स्टार का संजय दत्त हो, अरुण अर्जुन करके एक एक्टर अर्जुन जी थी, और भी बहुत सारे स्टार का इस मूवी में देखने को मिलने वाले, त्रिषा भी है एक्ट्रेस त्रिषा, और भी बहुत सारे एक्ट्रेस एक्टर बड़े बड़े इस मूवी में होने वाले। अगर यहाँ पर बात करें लियो मूवी क्या कुछ होने वाली, तो लियो मूवी यहाँ पर लोकेश कनगराज यूनिवर्स यानी कि LCU लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा पार्ट होने वाली है। इस यूनिवर्स में हमें दो मूवी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, एक कैथी, जी हाँ कैथी मूवी, दूसरी कमल हसन वाली विक्रम, जिसमें हमें कमल हसन विजय सेतुपति, ओ माय गॉड क्या क्या एक्टर देखने को मिले भाई, वो दोनों ही मूवी आई मीन कैथी हो या फिर अपना बात करें यहाँ पर विक्रम की, दोनों मूवी ने एक्शन के मामले में, सीन्स के मामले में, स्क्रीन जो प्रेजेंटेशन जो चल रही थी, VFX के मामले में, हर चीज़ में आग लगा दी थी। और लिटरली आखिर में जो कैमियो हमें देखने को मिला था मूवी में, विक्रम में देखने को मिला था, ठीक है, जो एक दिन हमें कैमियो देखने को मिला था यहाँ पर रोलेक्स का, भाई साहब उसने सही में थिएटर में फिर से आग लगा दी थी। पोस्ट पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद आग लगा दी थिएटर्स में, जो चेयर्स हुए थे, जो कि भाई आग लगी थी थिएटर में, लोग पागल हुए थे यहाँ पर सूर्य को कैमियो देख के, ठीक है। तो वही मूवी थी विक्रम, और ये दोनों मूवी आ चुकी है LCU की दो मूवी, और यहाँ पर तीसरी मूवी होने वाली है लियो, या लियो मूवी जैसा मैं को बताया कौन कौन इसमें देखने को मिलने वाला है। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर क्या कुछ होने वाली है लियो मूवी, तो देखो फिलहाल के लिए इतना तो किसी को समझ नहीं आया, हालांकि 2-2.5 मिनट का ट्रेलर हमें ज़रूर देखने को मिला, लेकिन अब तक ये पक्का से नहीं पता चला कि लियो मूवी की स्टोरी क्या होगी। मतलब खेल गए मेकर्स, बहुत सही से ट्रेलर को कट किया गया, हमें 2-2.5 मिनट का ट्रेलर मिला लेकिन स्टोरी समझ नहीं आया, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस दिखे। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली ट्रेलर देखते समय नोटिस कर ली थी, जब ट्रेलर रिलीज हुआ था उसका ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल का, तो मैंने उसको सबटाइटल्स के साथ देखा था, तो एक डायलॉग था उसमें कि वो मेरे जैसा दिखता है, तो इस टाइप का कुछ डायलॉग था, वो मेरे जैसा दिखता है तो उसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर, इस टाइप का कुछ डायलॉग था जो थालापति विजय बोल रहे थे चिल्ला के, और एक अंदर इमोशन दिख रहा था, एकदम होता है ना भाई बंदा एकदम चिढ़ गया, वो मेरे जैसा दिख रहा है, उसमें मेरी क्या गलती, इस टाइप का, ठीक है। तो ये डायलॉग ये दिखाता है कि यार इट मीन्स कि हो सकता है यहाँ पर थालापति विजय का दो रोल इस मूवी देखने को मिले, दो मल्टीपल रोल्स हो सकता है, हम गलत हो या फिर ट्रेलर में ऐसी इस चीज़ को दिखाया गया हो, कुछ रीज़न हो उसके पीछे, ऐसी दिखा दिया होगा कि यार लोगों का माइंड जो दिमाग है वो कुछ घूम फिर जाए, लेकिन मैं यही बोलूँगा अगर ऐसा हुआ डबल रोल देखने को मिले तो भाई ये मूवी बहुत बड़ी मूवी बनने वाली है, बहुत बड़ी। और इतना तो मैं अभी आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, कैथी मूवी के जो जो रिकॉर्ड थे थोड़े बहुत भी, आई डोंट नो वो बॉक्स ऑफिस थिएटर्स में रिलीज हुई थी या नहीं, मेरे को तो याद नहीं है, अगर आपको पता हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बट अगर बात करें विक्रम की, तो विक्रम मूवी जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 500-550 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, वो तो टूट जाएगी, वो तो आराम से मूवी भी वो तोड़ देगी, क्योंकि अगर इस मूवी में, मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे भी बोला हूँ, इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो यार, कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करो, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे मैं बोल रहा था कि यार अगर लियो मूवी में हमें सूर्य यानी कि अपने रोलेक्स का कैमियो, या फिर कैथी का कैमियो देखने को मिला, या फिर हमें विक्रम का, या फिर तीनों का कैमियो देखने को मिलेगा ना भाई, तो ये मूवी 1000-1500 करोड़ बहुत आसानी से ईजिली करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि भाई थालापति विजय, आप जिन लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, यहाँ पे ट्रेलर का जो व्यूज़ है वो कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किया होगा आपको नहीं पता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए ट्रेलर ने, जैसे फास्टेस्ट लाइक इन द वर्ल्ड का क्या क्या रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किए भाई, बहुत बड़ी मूवी होने वाली लियो, हमने सोचा नहीं था। मैं तो खुद बोल रहा हूँ ये मूवी आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ है, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस मूवी से कि इतना बड़ा धमाका करेगी, और फाइनली इस मूवी ने ऐसा करा है। मैं तो ये बोलूँगा भाई
जो भी मूवी हो, आई मीन जो भी पिछले समय में रिलीज हुई इसी साल की मूवी, सबका बॉक्स ऑफिस खतरे में है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पठान हो, या फिर वो गदर 2 हो, या फिर वो साउथ की मूवी हो, यार कोई भी हो, सबका यहाँ पे रिकॉर्ड्स खतरे में, क्योंकि लियो इज कमिंग टू रूल दी बॉक्स ऑफिस। और ये मूवी रिलीज हो रही है 19 अक्टूबर को, यहाँ पे मूवी लियो रिलीज होते दिख रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप बताइए आप है या नहीं। ठीक है, बाकी अगर बात करें क्रेज की कैसा, तो क्रेज और मूवी का हाइप जो है वो एकदम टॉप ऑफ द लेवल पहुंच गया, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज के लिए हो, चाहे वो तमिल लैंग्वेज के लिए, या फिर तेलुगु लैंग्वेज के लिए, या फिर वो कन्नडा लैंग्वेज के लिए हो। टू बी ऑनेस्ट, तमिल लैंग्वेज तो ये मूवी पहले दिन बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगी। तमिलनाडु में तो समझ जाओ आंधी तूफान आने वाला बॉक्स ऑफिस से। ठीक है, बहुत सारे थिएटर्स तो पहले दिन पूरे पैक रहेंगे, पूरे पैक, एक बंदा बैठने की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लियो मूवी इतनी बड़े बड़े धमाके कारनामे करने वाली है तमिलनाडु में। सेम ऐसा ही कुछ हमें रिएक्शन, आई मीन सेम ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर नॉर्थ साइड भी। हालांकि इतना ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा कि क्रेज हुई है पूरे थिएटर हाउस को, बट ये मत बोलना भाई आपकी खाली होंगे थिएटर, एक थिएटर खाली नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लियो मूवी का क्रेज जो है, इसकी हिंदी ट्रेलर जो आया था, हिंदी लैंग्वेज ट्रेलर जो आया था, जो कि गोल्ड माइंस पर रिलीज हुआ, लोग लिटरली पगला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस वालों ने पहले टाइम दिया था 6 बजे आएगा, आई मीन 6 साढ़े 6 पे आएगा, देन उन्होंने बोला 7 बजे आएगा, देन उन्होंने बोला 9 बजे आएगा, 9 बजे भी नहीं आया, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसके कुछ अपलोड हुए यहाँ पर ट्रेलर हिंदी। लेकिन लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली वेट कर रहे थे कि कब हिंदी ट्रेलर आएगा, कब हम उसे देखेंगे, कब हमें पता चलेगा क्या कुछ स्टोरी होगी, कब हम उसे एंजॉय करके जाएंगे इस मूवी को देखने के लिए। ये सब उनके दिमाग में चल रहा था, मेरे खुद के दिमाग में यही सब चल रहा था, क्योंकि आज से 1 महीने पहले मैं इतना एक्साइटेड नहीं था। आई वॉज नॉट सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी, बट अब मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं तो बोल रहा हूँ 13 तारीख को मूवी रिलीज़ क्यों नहीं हो रही, अगर यहाँ पर 13 तारीख होती तो मस्त 99 रुपये के ऑफर में जाता मूवी दे बनाने और लियो देख के आता, बट कोई ना, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, अभी लोगों की किसी की किस्मत में नहीं लिखी थी। ठीक है, बट जो भी, आई एम रियली सो मच एक्साइटेड, आप बताइए आप है या नहीं एक्साइटेड, कमेंट सेक्शन में बताओ। बस आज के लिए तो, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बट मैं यही बोलना चाहूंगा एट द एंड कि यार LCU यानी कि लोकेश कनक राज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डायरेक्टर बनते जा रहे हैं, बने हुए वो बंदे को कोई नहीं। VFX ले लो, स्क्रीन को कैसे प्ले, स्क्रीन प्ले ले लो, भाई गाड़ी धीरे से चला मर जाएगा तू, सॉरी। हाँ, या तुम कुछ भी ले लो उनकी मूवी का, चाहे तुम कैथी देखो, विक्रम देखो, जो मूवी उनकी देखना भाई, वो बंदा जो करता है ना काम, मैंने उनकी मूवी को पिछले 1-2 साल में इतना देखा ना, जो जो मूवी उनकी रही है सबको अच्छे से देखा ना, तब मुझे जाके पता चला बंदा क्या चीज़ है, क्योंकि मैं जानता नहीं था आज से 2-3 साल पहले, बट जब मैंने देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोकेश कनगराज क्या चीज़ है। बट आप बताइए आपको क्या लगता है, कैसा क्या आपकी प्रोडिक्शन, सब कुछ बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या जाता है तुम्हारा, कर दो ना सब्सक्राइब, प्लीज कर दो सब्सक्राइब, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और जो मैंने बोला अगर कुछ परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, अलग अलग चीज़ें मेरी ठीक ठाक प्राइस में मिल रही, कम प्राइस में मिल रही, जाके परचेज करो, मजे करो, एंजॉय करो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल के मेंबर बनाओ तो मेंबरशिप पाना है तो बन जाओ, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो बस आज के लिए, टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।